गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो हम लोग स्टार्ट क्या करना है, थ्योरी क्वेश्चन है डेरिवेटिव का है। डेरिवेटिव हमारा फेवरेट टॉपिक, और डेरिवेटिव में जो थ्योरी है ना, प्रैक्टिकल तो है ही है, पर जो सीएस प्रोफेशनल में एफटीएफएम है और सीए फाइनल हमारा एसएफएम, तो दोनों में ही एक क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आता है। और वो क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। दोनों का जो यूज होता है वो बैटिंग करने के लिए होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे फॉरेक्स में भी, पर अब यहां अंतर पूछा डिफरेंस, तो वो डिफरेंस हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ करीब करीब 5-6 डिफरेंस हम निकाल लेंगे, और वही हमारा टारगेट है आज का, ठीक है। तो पहले जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, कि आखिर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो बेटे ऐसा है, अभी वैसे गोल्ड का रेट क्या चल रहा होगा, 30,000 10 ग्राम, तो ऐसा समझ लेते हैं कि गोल्ड का रेट, गोल्ड भी हो सकता है, शेयर्स भी हो सकता है, कुछ भी, गोल्ड का रेट अभी चल रहा है 30,000 रुपए पर तोला, पर 10 ग्राम, 10 ग्राम का रेट 10 रुपए, 30,000। क्या लगता है गोल्ड आने वाले एक महीने में गोल्ड का रेट बढ़ेगा कि कम होगा। तो अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, किसी को ऐसा लगता होगा कि गोल्ड का रेट बढ़ने वाला एक माह बाद, या किसी को ऐसा लगता होगा कि गोल्ड का रेट कम होने वाला। तो मान लो दो पर्सन, ये पर्सन राम और एक पर्सन श्याम। राम को ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, और आने वाले एक माह में 30,000 से ऊपर जाएगा। तो उस राम को क्या करना चाहिए, वैसे राम को अभी गोल्ड खरीद लेना चाहिए 30,000 रुपए में, और एक माह बाद बेच देगा प्राइस बढ़ेगा तो, पर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। और श्याम को ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस 30,000 से कम होगा, ठीक है। तो अब यार इसको लग रहा है कि 30,000 से बढ़ेगा, इसको लग रहा है कि 30,000 से डाउन हो जाएगा अगले वाले। तो इन्होंने कहा चलो जी, हम दोनों आपस में ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको लग रहा बढ़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जो अमाउंट हुआ वो हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30,000 रुपए। ये कहता मैं खरीद लूंगा 30,000 में, मतलब ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, खरीदने का सौदा किया। खरीदना कब है, एक महीने बाद। कितने रुपए में बात तय हो गई है, 30,000 रुपए में। ये क्या कह रहा, मैं बेच दूंगा। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, किस चीज का, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, मैं बोले बेच दूंगा। क्या इसके पास अभी गोल्ड है, नहीं। क्या इसके पास अभी गोल्ड है, इसके पास भी नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, बस बात हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसने किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं गोल्ड खरीद लूंगा, इसने क्या बोला मैं गोल्ड बेच दूंगा, कितने रुपए में बात हो चुकी है 30,000। ये खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है, यहां तक ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आज, डिलीवरी कब मिलेगी, फ्यूचर में, किस रेट पे बात हुई है 30,000, और ये रेट अभी हमको पता है कि 30,000 में बात हो चुकी है, ठीक है यहां तक। अब बेटे हुआ क्या, मान लो एक माह बाद गोल्ड का रेट 32,000 हो गया, एक माह बाद। अब राम जाएगा, इसने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया ना, खरीदेगा इससे कितने रुपए में, सर 30,000 रुपए में खरीदेगा, 30,000 में खरीदा, और मार्केट में कितने में बेच देगा, 32,000 का, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ा और इसको ये चाहता था कि बढ़ जाए, बढ़ने से फायदा, कितने रुपए का फायदा, 2,000। सर इसको प्रॉफिट की लॉस, बेटे सोचो ध्यान से, राम आएगा गोल्ड मांगने के लिए, लाओ भैया गोल्ड दो, 30,000 रुपए में बात हुई है। तो श्याम क्या करेगा, श्याम जाएगा, श्याम के पास तो गोल्ड है नहीं है, तो मार्केट जाएगा, मार्केट में क्या रेट चल रहा, 32 का खरीदेगा,
और कितने में ट्रांसफर करेगा? 30,000 में। तो बोलो बेटे क्या हुआ? सर इसको तो लॉस हो गया। अगर 32,000 कीमत नहीं होती, मान लो कीमत हो जाती 25,000, 25,000 एक माह बाद, क्या राम को जाना पड़ेगा 30,000? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट है, 30,000 में खरीदना ही पड़ेगा, तो 30,000 में खरीदेगा और 25 में बेचेगा। तो बेटे लॉस हो गया कितने का? 5,000 का। और इसको जैसे ही राम आएगा कितने रुपए में खरीदने के लिए? 30,000 में। तो ये मार्केट जाएगा, 25,000 में खरीदेगा और 30,000 में ट्रांसफर कर देगा। तो इसको प्रॉफिट हुआ, 25 में खरीदा, 30 में बेचा, कितने का? 5,000 का। ये जो है ये लैंग्वेज बुक की है। अगर देखा जाए, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटे, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल वही चीज समझा रहा हूं। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, ऐसे भी होता है, स्पेकुलेशन बोलते। इसको क्या लग रहा है? 30,000 से बढ़ेगा। इसको क्या लग रहा है? 30,000 से डाउन हो जाएगा। अब इसको लग रहा है 30,000 से बढ़ेगा, तो इसके पास तो एक ही तरीका है, आज गोल्ड खरीद ले, एक माह तक होल्ड करे और जितना भी प्राइस बढ़ेगा उतने में बेच दे। पर आज गोल्ड खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए, पैसे है नहीं, और बिना पैसे के वो फायदा कमाना चाहता तो कैसे का? तो राम जाएगा, शाम से कहेगा चलो शर्त लगाते, और राम कह रहा कि पक्का यार गोल्ड का रेट बढ़ेगा, मुझको मालूम है। श्याम कह रहा बेकार की बात है, गोल्ड का रेट कम हो जाएगा। बोले लगी शर्त, शर्त लग गई। बोले अगर गोल्ड का रेट बढ़ा तो बोले मैं जीता, ठीक है, अगर गोल्ड का रेट कम हो गया एक माह बाद तो आप जीत गए, ओके, और कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब सोचो गोल्ड का रेट मान लो 32,000 हो गया, बोलो कौन जीता? राम। कितने रुपए से जीत गए? 2,000 से। फटाफट से जाएगा शाम से और 2,000 रुपए ले लेगा। इट मीन्स इसके पास आया कितना? 2,000। इसके पास से गया कितना? 2,000 लॉस। अगर गोल्ड का रेट 32 नहीं होता, 25,000 हो जाता तीन माह बाद, अब की बार कौन जीत गया? श्याम जीता, क्योंकि इसको लग रहा था ना कम होगा, डाउनसाइड बैटिंग। कितने रुपए से जीता? 5,000 से। तो राम इसको 5,000 रुपए दे देगा, इसको मिल जाएगा 5, और राम की जेब से कितना गया? 5। दिस इज कैश सेटलमेंट हो रहा है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं धीरे से? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के लिए हो रहा है। और रेट कब फिक्स हो गया? रेट आज ही फिक्स हो गया। फिजिकल डिलीवरी भी पॉसिबल है, फॉरेक्स में होता, फिजिकल डिलीवरी भी हो जाता है और कैश सेटलमेंट भी पॉसिबल है। बस अब फोकस करना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, ये मुझे आपको समझाना है। दोनों में अंतर में एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ गोल्ड पे हो सकता है? गोल्ड पे नहीं होता, बहुत सारी अंडरलाइंग एसेट हो सकती है, करेंसी हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? ये कौन है? सर ये है स्टॉक एक्सचेंज, और ये कौन? राम। और ये कौन? सर श्याम। और राम को ऐसा लग रहा है, यहां भी शेयर्स हो सकता था, यहां भी, कि रिलायंस के शेयर का प्राइस जो कि है 100 रुपए, ठीक तीन महीने बाद 100 रुपए से ऊपर बढ़ेगा पक्का। इसको लग रहा प्राइस बढ़ेगा और ये शर्त लगाना चाहता है। तो क्या ऐसा होता है कि जैसे मेरा दिल कर रहा शर्त लगाने का, तो मैं किसी के भी साथ जाके शर्त लगा लूं और कोई मान जाएगा? नहीं, ऐसा पर्सन तो बड़े मुश्किल से मिलता है। तो ये शर्त लगाने वाला काम स्टॉक एक्सचेंज करता है, बोलता ठीक है लगाओ शर्त, मैं दूसरे वाले पर्सन को मैं खुद ढूंढूंगा। इट मीन्स राम को क्या लग रहा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो स्टॉक एक्सचेंज किसी को ढूंढेगा कि किसी को ऐसा लगता होगा कि प्राइस कम होगा, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? स्टॉक एक्सचेंज। इट मीन्स यहां बीच में कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। यहां बीच में कौन था? यहां बीच में कोई नहीं था। यहां बीच में कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। क्या यहां भी शर्त लगाई जा रही है? यस। क्या यहां भी शर्त लगाना है? यस। ठीक है, राम को क्या लग रहा, रेट बढ़ेगा, 100 से बढ़ेगा, और श्याम को क्या लग रहा, रेट 100 से कम होगा। लेकिन दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती नहीं है, बीच में कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बीच में ओवर द काउंटर बोलते हैं,
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पहला डिफरेंस। तो डिफरेंस नंबर वन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, एक्सचेंज के थ्रू होता है, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड, डिफरेंस नंबर वन। और सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? हमेशा ओवर द काउंटर, मतलब पार्टी एक दूसरे को जानती है, ओवर द काउंटर आमने सामने, यहां एक दूसरे को नहीं जानते, बीच में कौन है? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, जिसको ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है, जनरली हम उसको जो पोजीशन है ना, लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, और इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो अब शर्त लग गई है, इसको क्या लग रहा है? रेट बढ़ेगा, और शाम को क्या लग रहा है? रेट कम होगा। तो इन दोनों में शर्त लग रही है। तो हम गए स्टॉक एक्सचेंज के पास, हमने कहा सुनो स्टॉक एक्सचेंज, हमको शर्त लगाना है भाई, और हमें दो शेयर पे शर्त लगाना है, दो शेयर। स्टॉक एक्सचेंज कहेगा टाइम पास मत करो, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर काम कर रहे हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज या कंपनी टू कंपनी एक स्पेसिफिक लॉट साइज में आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दो चार शेयर में शर्त लगाना चाहता हूं तो शर्त नहीं लगा सकते, ओके। इट मीन्स इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक लॉट में करना पड़ेगा। और सर यहां बोले यहां कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ऐसा कुछ नहीं, हमें 10 शेयर में कॉन्ट्रैक्ट करना, 10 शेयर का, जैसे वो फॉरेक्स में पढ़ा होगा ना, हमको $5,555 खरीदना, तो आप उसका भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इट मीन्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के हिसाब से सेट हो जाता, कस्टमाइज्ड। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा स्पेसिफिक लॉट साइज होता है, स्टैंडर्डाइज्ड। अगर मुझको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है शाम को 7 बजे या रात में 9 बजे, तो क्या मैं कर सकता हूं? कर सकते हो भाई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिक्कत है? पर अगर स्टॉक एक्सचेंज में मैं जाऊंगा शाम को 5 बजे, हो गएगा भैया मार्केट बंद हो गया 3:30 बजे, बात खत्म, 3:30, 4 बजे जो भी होता है। इट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू काम होता है, और यहां कस्टमर के हिसाब से सेट हो जाता है। तो दूसरा डिफरेंस, ये हमेशा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होता है, स्टैंडर्डाइज्ड, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या कस्टमर के हिसाब से हो जाता है? यस, कस्टमाइज्ड, ठीक है। अब तीसरी बात, चलो लगी शर्त, लग गई, स्पेसिफिक लॉट साइज होना चाहिए। मैंने कहा कितने शेयर्स के में शर्त लगा देते हैं रिलायंस के, तो 1,000 शेयर्स पे शर्त लग गई, 1,000 शेयर्स, ओके। प्राइस बढ़ा तो कौन जीतेगा? राम। प्राइस कम हुआ तो कौन जीतेगा? श्याम। अब मान के चलो 3 माह की बात है, और 3 माह बाद शेयर का प्राइस 105 हो गया, कौन जीता इसमें से? राम की श्याम। राम 100 था, 100 से ऊपर जाएगा बोला था, कितना जीत गया? एक शेयर पे 5 रुपए जीता, × 1,000, बोलो कितना रुपए जीत गया राम? 5,000 रुपए। राम स्टॉक, राम किसके पास जाएगा 5,000 रुपए लेने के लिए? सर स्टॉक एक्सचेंज के पास। क्या श्याम के पास सीधा जाएगा? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब स्टॉक एक्सचेंज पैसे किससे बुलवाएगा, किसको फोन लगाएगा? सोचो बेटे, क्या स्टॉक एक्सचेंज अपनी जेब से देगा? नहीं, कौन खेल रहा था उस साइड? श्याम। तो श्याम को फोन लगाएगा, और श्याम का मोबाइल स्विच ऑफ है। अब करे तो क्या करे, दिक्कत की बात है। क्या श्याम बाद में धोखा दे सकता है? यस, श्याम धोखा दे सकता है, पर स्टॉक एक्सचेंज धोखा कैसे देगा? राम को तो पैसे देना ही पड़ेगा। राम कहता मैं नहीं जानता भैया श्याम, याम को मुझे पैसे चाहिए, तो एक समस्या है। अच्छा, शेयर का प्राइस अगर 105 नहीं होता, हो सकता है शेयर का प्राइस 95 होता, तो फिर ये हार जाता, कौन जीतता फिर? श्याम। कितने रुपए से? 5। फिर 5,000 रुपए लेने श्याम जाता स्टॉक एक्सचेंज, फिर मोबाइल फोन किसको लगाया जाता? राम को। राम का मोबाइल बंद है, तो समस्या ये है कि बीच में कौन फंसा हुआ है? स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज को समझ में नहीं आ रहा भैया, दिक्कत हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज को डर रहेगा, ये भी धोखा दे सकता है, ये भी धोखा दे सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज ना इन लोगों से एडवांस में मार्जिन मनी, डिपॉजिट मनी, ये भैया कुछ पैसा जमा करो, बाद में वापस ले जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर पैसा जमा कर दो, कल को आपका मोबाइल बंद आएगा तो मैं क्या करूंगा? उसे बोला जाता मार्जिन मनी। मार्जिन मनी बहुत सारा होगा, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। तो यहां दोनों को मार्जिन मनी जमा करना पड़ता है,
और सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कौन किसके पास मार्जिन मनी जमा करेगा, कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन मनी, ठीक है। तो तीसरा डिफरेंस, क्या यहां मार्जिन मनी जमा होगा? यस, मार्जिन रिक्वायरमेंट। और सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नो मार्जिन, ठीक है यहां तक। तो सर यहां तो ये पार्टी धोखा नहीं दे सकती। सर कितना मार्जिन, कैसा क्या बेटी, इसके लिए तो पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा, अभी तो मुझे डिफरेंस करवाना। ओके, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकती। और सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत ये है कि अगर सामने वाली पार्टी मना कर दे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, बहुत सारी बातें होगी। मतलब तुरंत में तो यहां सामने वाली पार्टी धोखा दे सकती है, मैं जीता, मैं गया श्याम के पास, लाओ भैया पैसे, तो बोलता नहीं देता, जाना कोर्ट जाओ। तो यहां काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, पर यहां काउंटर पार्टी डिफॉल्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि मार्जिन जमा है। तो चौथा डिफरेंस, क्या यहां काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हो सकता है? नहीं। क्या यहां काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है? यस। तो चौथा डिफरेंस, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, और यहां चौथा हो जाएगा नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। तो फॉरवर्ड फ्यूचर, फॉरवर्ड बताओ जल्दी से, ओवर द काउंटर होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा? सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड। दूसरा डिफरेंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इतना साइज कोई स्पेसिफिक लॉट साइज नहीं? यस, ये कस्टमाइज्ड होता है, पर इसमें कुछ स्पेसिफिक लॉट साइज होता है, कुछ टाइम होता है, उसी टाइम में आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तीसरा, क्या यहां मार्जिन लगता है? नहीं, यहां मार्जिन की जरूरत ही नहीं है, पर क्या यहां मार्जिन लगता है? यस, यहां दोनों पार्टी को स्टॉक एक्सचेंज के पास मार्जिन जमा करना। हालांकि होता ऐसा है कि आप अपने ब्रोकर के पास जाते हो, ब्रोकर को देते हो, ब्रोकर का ऑलरेडी वहां रखा रहता है, ठीक, पर ठीक है, मान काम की बात है, मार्जिन लगेगा और यहां मार्जिन नहीं लगेगा। चौथा डिफरेंस, चौथा ये हुआ, क्या यहां काउंटर पार्टी धोखा दे सकती है? यस, हालांकि आप कोर्ट में निपटोगे बाद में, पर काउंटर पार्टी तो डिफॉल्ट कर सकती है। तो यहां सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट करे भी तो हमें स्टॉक एक्सचेंज से तो मिल नहीं जाएगा, तो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट का तो चांस ही नहीं, क्योंकि दोनों का क्या जमा होता है? मार्जिन। अच्छा और एक बात बताऊं, क्या लगता है रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में ज्यादा होते होंगे? सर कोई शक ही नहीं है, जहां स्टॉक एक्सचेंज है वहां रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा है। इट मींस यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हाई, और यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस लेस। ओके, चलो मेरे ख्याल से पांच डिफरेंस हो गए, अब थोड़े से काम की बात कर लें, अब थोड़ा सा टेक्निकल है। चलो भाई, मार्जिन मनी जमा किया, सर कितना मार्जिन मनी उसका कैलकुलेशन होता, मैं यहाँ मन से 8% के आसपास होता, पर चलो ठीक है, मुझे मतलब नहीं है, मैं यहाँ मार्जिन मनी 1000 शेयर पे बैटिंग हो रही है, तो आज 1 तारीख को इसने जमा किया 20%, 20,000, और श्याम ने भी कितना जमा किया? 20,000, और अभी किस रेट पे बैटिंग चल रही है? 100। अब ध्यान से, 2 अप्रैल को 102 रुपए प्राइस हो गया, कौन जीता? हालांकि जो जा रहा है ना बेटी, ये तो 36 3 माह तक चलेगा, अब ये बताओ कौन जीता? 100 से 102 हो गया, ये बोल रहा था प्राइस बढ़ेगा, ये बोल रहा था प्राइस कम होगा, तो सर राम जीत गया 2 रुपए से। यस, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इसके अकाउंट में 2000 रुपए प्लस कर देता है और इसके मार्जिन से 2000 रुपए माइनस कर देता है। तो बताओ कितना हो गया इसका मार्जिन? 22,000, और इसका मार्जिन क्या हो गया, कितना हो गया? 18,000। और अभी कितना तारीख बाकी है? 36।
आपने सट्टा लगाना कब से स्टार्ट किया? 1 अप्रैल। आपने ब्रोकर के पास कितना जमा किया था? 20। और 2 तारीख को कितना हो गए? 22। क्या आप अपने ब्रोकर से जाकर कह सकते हो चलो चलो यार 2000 रुपए जी, बोल सकते हो? ब्रोकर से क्या पैसे विड्रॉ कर सकते हो मार्जिन? आंसर है यस। अगर आपका मार्जिन इनिशियल, इसको इनिशियल इनिशियल मार्जिन से ऊपर जाता है तो आप पैसे निकाल सकते हो, मार्जिन विड्रॉ कर सकते हो, और जरूरत पड़ने पे स्टॉक एक्सचेंज आपसे मार्जिन कॉल भी कर सकता है, ठीक है? पर खैर हमें मतलब नहीं है। 102 हो गया, मान लो हमने मार्जिन नहीं निकाला, 103 रेट हो गए अगले दिन, तो बोलो बेटे कौन जीता? सर फिर से राम जीत गया। बताओ कितने रुपए से जीता? 103 रुपए से जीता, सॉरी 3 से जीता कि 1 से जीता? अब ये दिक्कत की बात है, किससे जीता? 1 रुपए। पिछला प्राइस कितना था? 102। 102 से कितना हो गया? 103। तो कितने रुपए से जीत गए बेटे ये? 1000 से, और इसके अकाउंट से 1000 माइनस, तो टोटल कितना आ गया यहाँ? 23,000। यहां कितना आ गया? 19,000। ओके, इट मीन्स सर इसमें रिप्राइजिंग होता है? यस, रिप्राइजिंग इसको बोला जाता है, रिप्राइजिंग या फिर मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट। M2M सुना होगा ना, मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट। सिक्स, पर इसमें ऐसा कुछ होता है कि नहीं? इसमें आज का बैलेंस और जिस दिन आप सौदा काट रहे हो उस दिन का बैलेंस देखोगे, इट मीन्स इसमें जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है सब एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेटेड होता है, जुड़ते जाता है। यहां डेली रिप्राइसिंग होता है, मार्क टू मार्केट। ओके, वैसे ना देखा जाए ना तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनरली सट्टा खेलने के ही काम आता है, स्पेकुलेशन के काम। और सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली डर रहता कि यार कहीं डॉलर का रेट बढ़ ना जाए, तो हेजिंग के काम आता है, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। इट मींस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? हेजिंग, रिस्क से बचने के लिए जनरली। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, ठीक है? तो बहुत सारा डिफरेंस तो मैंने बता दिया। अब आखिरी बात, आज की डेट कौन सी है? सर आज की डेट 2 अप्रैल है। आप सट्टा खेल रहे हो, आपको लग रहा है रेट बढ़ेगा, और आपका मार्जिन आपने लगाया कितना था? 20। और टोटल कितना हो गया? 23,000। अभी 2 ही दिन हुए और आप बहुत खुश है, 20,000 जमा था, 23,000 हो गया है। अब आप गए अब स्टॉक एक्सचेंज, हालांकि डेट अभी कौन सी है? 30/6। अब अभी आप कब तक के लिए खेल सकते हो? 30/6 तक खेल सकते हो। और सामने वाला श्याम भी खेल रहा, हालांकि उसका मार्जिन कितना था? सॉरी यहां गलती हो गई, उसका मार्जिन कितना था? 20। 18 से 1 कम हो 17, और उसका हो कितना गया? 17, ठीक है? अब सुनो मेरा, मैंने कहा यार कौन लालच में पड़े, हालांकि 3 माह की बात हुई है, मैंने कहा 2 ही दिन हुआ है, पर मैंने जमा कितना किया था स्टॉक? 20, और हो कितना गया? 23, और मैं पहुंच गया स्टॉक एक्सचेंज के पास। मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज प्लीज वो 23,000 दो और बस खत्म, अब मुझको नहीं खेलना, बस 3,000 कमा लिया बहुत है मेरे लिए। क्या राम बाहर निकल सकता है? और श्याम बोलता कैसे निकलेगा, मैं तो खेलूंगा भाई किसी भी हालत में, क्या करे? क्या राम बाहर निकल सकता है यहां से? 23,000 दे दो और मैं बस, अब मुझे नहीं खेलना बस। जी हाँ, राम बाहर निकल सकता, इससे बोला जाता सौदा काटना, स्क्वायर ऑफ करना। पर वो डिटेल में वो प्रोसेस करवाऊंगा ना बेटे, तब मैं आपको पूरा प्रोसेस करवाऊंगा कि किस तरह से, जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा मार्जिन का, उस समय बताऊंगा कि कैसे किस तरह से बाहर निकल सकते, जैसे 3 पत्ती खेला होगा वैसी कुछ है यहाँ, ठीक है? अभी मेन डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस एक बार फिर से, क्योंकि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ। पहला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या स्टॉक एक्सचेंज बीच में होता है? नहीं, ओवर द काउंटर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कोई स्पेसिफिक लॉट साइज वगैरह होता है? नहीं, कस्टमर के हिसाब से सेट हो जाता है, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक लॉट साइज में ही होगा, स्टैंडर्डाइज्ड। क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई मार्जिन जमा करना पड़ता? नहीं भाई, मार्जिन लगेगा नहीं, जमा करोगे तो किसके पास जमा करोगे? आपस में जमा करने से रहे, तो नो मार्जिन रिक्वायरमेंट। पर इसमें क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट है? यस, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। इसके बाद और भी समझते हैं,
क्या इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकता है? यस, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर लेगा क्योंकि मार्जिन ही जमा नहीं है, आपको कोर्ट में निपटना पड़ेगा। पर क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क है ही नहीं है क्योंकि मार्जिन जमा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में ज्यादा होते हैं? सर, नो डाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स रेगुलेशंस कम हो गए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली किस काम आता है? जनरली आता है हेजिंग, रिस्क से बचने के लिए। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जनरली क्या होता है? स्पेकुलेशन। क्या यहां मार्क टू मार्केट डेली रिप्राइसिंग होता है? यस, पर यहां क्या होता है? एक्यूमुलेशन, प्रॉफिट जुड़ते जाता है। ठीक है, और भी एक लास्ट सोच के बताना, लिक्विडिटी किस में ज्यादा होती होगी? मतलब स्पीड से मेरा जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। सर, लिक्विडिटी इसी में ज्यादा होती है, इसी का मार्केट ज्यादा ही है। इट मींस ये हाईली लिक्विड होता है, हाई लिक्विडिटी। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, आप सिक्वेंस जमा लेना अपने हिसाब से, लो लिक्विडिटी, लेस लिक्विडिटी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशियंट ये 7, 8, 9 जैसा भी हो आप सेट कर लोगे। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज्यादा मजा आएगा जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा, स्पेशली करेंसी फ्यूचर में बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, FTFM के लिए इंपॉर्टेंट है।